नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश बोरडग और आज का हमारा ये वीडियो है कि आप वर्डप्रेस में थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी हम प्रीमियम थीम बाय करते हैं उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप फ्री थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी वेबसाइट में या ब्लॉग में आपको अपनी थीम इंस्टॉल करनी है उसमें लॉग इन करें और उसके बाद में आप आइए अपेरियंस सेक्शन में। अपेयरेंस में आते हैं, उसके बाद में सब मेन्यू ओपन होता है थीम्स लिख के, तो थीम्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप थीम्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी थीम इंस्टॉल है वो दिखाई देगी और ऐड न्यू का बटन दिखाई देगा और यहाँ पे टॉप में भी ऐड न्यू का बटन दिखाई देगा। यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये फ्री थीम इंस्टॉल करने के लिए मिलेगी। इसको आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम थीम, अब जैसे हम इनमें से कोई भी एक थीम इंस्टॉल करते हैं, ये वन प्लस थीम है, इसे हम इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। हमने ये इंस्टॉल कर ली और एक्टिवेट कर दी। ठीक है, अब अपने एक बार ब्लॉग को देखते हैं किस प्रकार का अपना ब्लॉग दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं अपने ब्लॉग इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं कि आप अगर कोई भी प्रीमियम थीम बाय करते हैं उसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वापस जाना है ऐड न्यू के ऑप्शन पे। जो भी हम प्रीमियम थीम बाय करते हैं उसे वहाँ से हमें फाइल डाउनलोड करने को मिलती है, तो अपलोड फाइल पे करना, अपलोड थीम पे करना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको, अब जैसे मैंने ये न्यूज़पेपर बाय किया तो इसकी मुझे ये जिप फाइल मिली है। ठीक है, हम ये सेम जिप फाइल जो हमें मिलती है वो कि वो अगर अपलोड करते हैं तो एरर मिलता है। अभी हम ये करके देखते हैं। देखिए, हमने ये जिप फाइल अपलोड की है जो हमें डाउनलोड करने को मिली थी, सेम वो कि वो करते हैं तो हमें एरर देखने को मिलता है। अगर हम वहाँ से इंस्टॉलेशन फाइल करते हैं तो एरर नहीं मिलेगा, अन्यथा एरर मिलेगा। अब जैसे फुल थीम हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अनपैकेजिंग द पैकेज, यानी कि आपने ये जिप फाइल अपलोड की है उसे अनजिप करें। ठीक है, थीम इंस्टॉलेशन फेल्ड और स्टाइल डॉट सी एस एस मिसिंग, ये इस प्रकार के एरर दिखाई दे रहे हैं। बट इसमें ऐसा कोई एरर वाला इश्यू नहीं है। ये एरर इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसमें, अभी हम चलते हैं, ये न्यूज़पेपर हमने ये एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखी है। इस फोल्डर को अगर आप ओपन करोगे तो इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग प्लगइन, ये अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं जो कि अपनी वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं और वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर के नाम से जिप फाइल बनी हुई, ये इंस्टॉल करनी होती है हमें, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं न्यूज़पेपर और ये इंस्टॉल करेंगे तो जल्दी से ये इंस्टॉल हो जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। आप ये देख सकते हैं एक्टिवेट और थीम इंस्टॉलेट सक्सेसफुली और एक्टिवेट पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं आपकी थीम इंस्टॉल हो गई है। हमने जाना कि आप एक फ्री थीम सर्च करके वर्डप्रेस के अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड से ही कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक जो भी प्रीमियम थीम या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो थीम वर्डप्रेस पे अवेलेबल नहीं है वो थीम हम अपलोड में जाके फाइल अपलोड करके कैसे थीम अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।